तो कैटरीना कैफ और विकी कौशल दुर्गा पूजा में दशहरा के दिन जाते हुए वाकई सुपर डुपर अडोरेबल लगे। इनकी मुकम्मल पिक्चर्स और वीडियोस दिखाएंगे जो कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पर शादी के बाद फर्स्ट टाइम इनकी दुर्गा पूजा इनकी नवरात्रि की पूजा से बहुत वायरल जा रही है। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। आपको बताते चलें कैटरीना कैफ विकी कौशल के बारे में, तो यहां पर रणबीर कपूर भी मौजूद थे जो कि बहुत सारी पिक्चर्स में देखे जा सकते हैं। और शादी के कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर का आमना सामना पहली दफा हुआ है कि दोनों की ही शादी हो चुकी है। दोनों इस टाइम पर अपने बेबीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर पुरानी दोस्ती पुराने रिश्ते कहीं ना कहीं जाकर आपको जोड़ देती हैं। और यहीं पर इस नवरात्रि दशहरा के दिन कैटरीना कैफ अपनी सुपर क्यूट अपीयरेंस में रणबीर कपूर भी जहां पर मौजूद है वाकई अडोरेबल लगी। जबकि और यहीं पर बताते चले आपको कैटरीना कैफ विकी कौशल के जोड़े के बारे में, तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर से कहीं ज्यादा कैटरीना कैफ और विकी कौशल के जोड़े को मान सम्मान और प्यार दिया जाता है। और सबसे बड़ी वजह यही है कि इन्होंने अपनी शादी को इस तरह बहुत ही ज्यादा पब्लिक कर बहुत ही ज्यादा अपनी रिलेशनशिप को 10 साल चलाकर शादी नहीं की, बल्कि जब कैटरीना कैफ को लगा कि विकी कौशल इज द बेस्ट गाय इज द बेस्ट पार्टनर इन द वर्ल्ड, उन्होंने साथ ही रिश्ता भिजवाया और साथ ही इनकी शादी हो गई। यही सबसे खूबसूरत बात है जो कि फैंस को कैटरीना कैफ की और विकी कौशल की सबसे अच्छी लगी। जबकि रणबीर कपूर की बात की जाए तो उनके अपने करेक्टर के बारे में, उनके अपने सारे पास्ट के बारे में काफी ज्यादा ही अजीब करेक्टर रहा है। उनके बहुत सारी बॉलीवुड महिलाएं हैं जो उनकी एक्स रह चुकी हैं, लेकिन अब फाइनली तौर पर उन्होंने भी शादी कर ही ली, वो भी आलिया भट्ट से। खैर व्यूअर्स, आपको कैटरीना कैफ विकी कौशल की बहुत ही खूबसूरत सी जोड़ी और आपको यहीं पर रणबीर कपूर का इसी इवेंट में मौजूद होना, यहाँ पर इनके दुर्गा पूजा नवरात्रि की पूजा दशहरे के दिन कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।